झूमते झूमते सिंगर भौमिक पटेल, इनकी एल्बम झूमते झूमते लॉन्च हुई है गुजरात अहमदाबाद से, अहमदाबाद से हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने ये गाने सुने, बहुत बेहतरीन गाया इन्होंने, तो मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज दशहरे के दिन ये लॉन्च हुआ है इनका एल्बम, ढेरों शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे एल्बम बनाएं। और मैं दुआ प्रार्थना करता हूं कि ये झूमते झूमते इनकी जो एल्बम है वो सुपर डुपर हिट हो जाए। थैंक यू। सबसे पहले तो भौमिक पटेल जी को बहुत सारी हार्दिक बधाई और आज दशहरा की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत ऑश्विशियस डे है, पवित्र दिन जिसे कह सकते हैं, और आज के दिन इनके इस गाने की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है झूमते झूमते। झूमते झूमते का गाना है जो पहली बार लॉन्च हो रहा है यहाँ पर, और इसके लिए भौमिक जी को बहुत बहुत हार्दिक
बधाई और शुभकामनाएं इनको। और ये गाना जो इन्होंने गाया है, जैसे कि आजकल सभी नए सिंगर्स आ रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ में एक जादू है, यू नो, इनकी आवाज़ में एक सरस्वती विद्यमान है और बहुत ही अच्छे गायक हैं। और मैं इनके लिए यही कहूँगा कि ये दिन दुगनी रात चौगनी इसी तरह तरक्की करते रहें और फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम इसी तरह छा जाए और बहुत सारी इनको फिल्में मिलें। हर आदमी नए सिंगर के लिए यही कहता है कि हर आदमी की शुरुआत जो होती है कहीं ना कहीं से होती है, और उसके बाद वो अपनी सीढ़ियाँ जो हैं धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर देता है अपनी सक्सेस की, जिसे कह सकते हैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता है। और भौमिक जी के लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा कि वो इसी तरह अपनी धीरे धीरे जिस तरह इन्होंने रफ्तार पकड़ी है और एक दिन मंजिल को पा लेंगे और उसके बाद बहुत बड़े सिंगर्स में इनका, कहते हैं हर आदमी शुरुआत उसके छोटे से ही होती है और लेकिन वो धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाता है। हम सभी लोगों ने, चाहे वो टेलीविज़न का कलाकार हो या फिल्म का कलाकार हो, सभी ने अपनी अपनी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं फेलियर, कई लोगों ने फेलियर से शुरू की और बहुत सक्सेसफुल हैं आज की तारीख में। और कई लोग ऐसे हैं जैसे अमिताभ बच्चन के ही मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि उन्होंने सात हिंदुस्तानी जैसी एक साथ एक फ्लॉप पिक्चर के साथ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और आज एक बहुत बड़ी ऊंचाई को उन्होंने छुआ है और आज एक लेजेंड, जिसे कह सकते हैं लेजेंड के रूप में स्थापित हुए हैं। उसी तरह हम भौमिक पटेल जी के लिए भी आशा करते हैं कि इन्होंने भी शुरुआत अपने छोटी सी शुरू की है लेकिन बहुत ऊँचाइयों को ये छुएंगे, और इसके लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। राजू जी को आप सभी लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे, मित्र हैं और हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं। इनके लिए भी मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद दूंगा। दशहरा का दिन है और कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। ले ले, खुश रहो, खुश रहो, खुश ले लेता मैंने गलती की नहीं लिया था। बॉबी जी, आप क्या कहोगे? सुरेंद्रपाल जी ने इतनी बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से शुभकामनाएं दी, पंकज जी भी थे, हाउ हैप्पी यू फील एंड हाउ ब्लेस्ड आल्सो यू फील? आज मतलब थोड़ा नर्वस हूँ, थैंक यू बोलना चाहूंगा बस। शुरू में सभी लोग नर्वस, सबका आशीर्वाद है अभी। हम भी लोग भी, हमने भी ऐसी शुरुआत की थी, हम भी बहुत नर्वस थे, हमने हमारे हाथ से तो बिल्कुल हाथ पांव भी कांप रहे थे जब हम पहली बार हमने जिंदगी में कैमरे को जब फेस किया था तो हमारे हाथ पांव सब कांप रहे थे। लेकिन आज जब हम परफॉर्मेंस देते हैं तो सामने वाले के हाथ पांव कांप रहे हैं। झूमते झूमते का एक लाइन कम से कम गुनगुना दे और अपना इंट्रोडक्शन दे प्रेस को। तुम्हें जब देखा तो दिल ने मेरे ये कहा, ये आंखें कहती तुम्हें देखूं मैं बार बार, तेरी नजरों में यूं खो गए हमें क्या हुआ, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें मेरे दिल की ये बात। झूमते झूमते झूमे आज सारी रखन नन खन के खन के तेरी पायलिया। थैंक यू, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आवाज किसी से मिलती नहीं है और आप कॉपी नहीं। वाह वाह रविंद्र जी, क्या बात है, क्या बात है, श्री गणेश होने का निशान है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू, थैंक यू। उन्हें पहले जो आप कुछ बिल्कुल कहेंगे बुरी चीज़ है, क्यों नहीं, नहीं क्यों ऐसा, ऑल द बेस्ट झूमते झूमते के लिए। ऐसा क्या, हमारे हमारे जो हम गुजरात वाले को ऐसा करते, ना 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 ना, गुजरात आने नहीं देंगे भी। सबसे पहले तो मेरी ढेरों शुभकामनाएं भौमिक पटेल को उनकी गरबा एल्बम झूमते झूमते के लिए। बहुत बहुत अच्छा इन्होंने गाया है, बहुत बेहतरीन गाया है। अभी दिक्कत क्या है कि कोरोना के कारण उस लेवल पे गरबा हो नहीं पा रहा है, अदरवाइज मुझे लगता है ये बहुत बजरा होता अभी ये एल्बम। तो कोई बात नहीं, अगले साल खूब बजेगा, गरबा
अगले साल भी गरबा होगा और इसकी लॉन्चिंग हुई है। मेरी शुभकामनाएं हैं, ढेरों शुभकामनाएं हैं, जीवन में तरक्की पाएं और अच्छी अच्छी एल्बम बनाएं। बॉबी, आप कुछ कहना चाहोगे झूमते झूमते एल्बम? सबसे पहले तो ये टाइटल इज क्वाइट कैची, क्या सोच के लिए बनाया था? और जैसे कि अभी नवरात्रि ये कोरोना के कारण नहीं हो रही है, व्हाट आर योर टोटल प्लान एल्बम को लेकर? एक्चुअली फर्स्ट जब हम ये बनाने बैठे तब हमने सोचा था कि हम इसको गुजराती में बनाएंगे, क्योंकि गरबा होता है वो गुजराती होता है। फिर ऐसा दिमाग में आया कि जो गुजरात में हिंदी लोग भी जो रहते हैं, जो नहीं समझ पाते, तो उनको देखने के बाद, उनको सोचने के बाद हमने इसको एक हिंदी रोमांटिक सॉन्ग दिया, जो जैसे गरबा आज बाहर नहीं हो पा रहे तो घर में भी बैठ के अगर ये कोई सुनेगा तो मतलब ये प्रॉपर गरबा नहीं है, इट्स अ रोमांटिक गरबा सॉन्ग है। उसमें हमने ऐसी फील दी है उस गाने में, रोमांटिक गरबा सॉन्ग जो गरबा में बहुत बजेगा आगे से। यस, और क्या उसने पूरा वर्ल्ड ध्यान में रखा? मैं थोड़ा वाइड रेंज देख के इसको बनाया है। अभी वीडियो एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का वीडियो है ये और यू नो कहां पर शूट किया? हां, ये वीडियो जो है वो मेरे फार्म हाउस पे शूट हुआ है और सिंगल लोकेशन थी, उसको हमने लाइट से और मतलब लाइट से पूरा डेकोरेट करवाया था, गरबा ग्रुप था और स्टोरी लाइन के हिसाब से जैसे जैसे वर्ड्स है उस हिसाब से हमने इसको शूट किया है। आपने सिंगिंग में क्या मतलब क्या किया है, मतलब टीचिंग के अपने मैं सीखे हो? हाँ, क्लासिकल मैं सीख रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ और सीखा भी हूँ। और मतलब मैंने अभी ये मेरा फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग है, इसके अलावा मैंने बहुत कवर सॉन्ग्स किए हैं, उसके बाद और भी काफी एल्बम्स आ रहे हैं और अभी मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आने वाले हैं। तो भौमिक जी, मुंबई में राजू सर के ऑफिस में ही आपका हो रहा है इनॉग्रेशन, क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट मिला राजू जी? राजू अंकल से बहुत सपोर्ट मिला है हर चीज में और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं ना सब महाराथी, इनका सपोर्ट है मेरे को। यस, ताकि तुम्हें कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। तो सर बैठे हैं, आप कुछ बताइए भौमिक के बारे में, यू नो लाइक हाउ हम आर टैलेंटेड, ही यू विल ऑलवेज प्रमोटिंग यंग टैलेंट। क्योंकि मैं अभी जब से कोरोना के बाद गुजरात गया हूँ तो पता चला कि अहमदाबाद में भी काफ़ी इस टाइप के लोग हैं, काफ़ी बॉम्बे तक आना चाहते हैं बॉलीवुड तक। तो मैंने भूमि को बताया कि काम कर, अच्छा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाते रहे, गुजराती भी लोग पसंद करें और हिंदी लोग भी। तो झूमते झूमते देखा जाए तो बहुत जगह पर चलने वाला सब्जेक्ट है गरबा आने वाले, और इस बार अब अगर इस नवरात्रि में नहीं चला तो आगे वाले बहुत हिट गाना है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल भी है। पंकज जी, हम गरबा की बात करते तो एनी मेमोरीज आपके साथ को होगी या कुछ फिल्म आपने कुछ किया या पर्सनली आप कितना पसंद करते हैं गरबा? मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार इवेंट्स में गया हूँ गरबा में, बहुत जगह पे गया हूँ। जब मैं बॉम्बे में नया नया आया था तो मतलब मुझे वो याद है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद है। मैं पीजी रहा करता था, पेइंग गेस्ट जूस की में रहा करता था जितेंद्र साहब के बंगलों के पास ही, वहाँ खादी गर्म उद्योग की तीन बिल्डिंग है, वहाँ से बहुत इंडस्ट्री में बहुत लोग निकले, डायरेक्टर्स भी बहुत निकले वहाँ से। तो वहाँ रहता उसके सामने ग्राउंड पे गरबा होता था। मैं पहली बार जब गरबा में गया तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब मैं नॉर्थ इंडिया को मुझे इतनी जानकारी थी नहीं कि ये लोग डंडे क्या बजाते जा रहे हैं तो मतलब घूमते जा रहे हैं, डंडे बजाते जा रहे हैं। तो मैंने, मेरा जो रूम पार्टनर था वो बोला चलो हम भी खेलेंगे, मैं कहा ठीक है खेलेंगे। तो मैंने भी कोशिश की तो वो डंडे मेरे हाथ पर मारते मुझे उस तरीके से नहीं चलाना आता था, तो मेरे डंडे हाथों में पड़ते रहे। तो मेरी वो मेमोरी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग मेमोरी है, वो याद मेरे आज तक मुझे याद है। लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे मतलब चीज़ें सीखता चला गया और बहुत इन्जॉय करता हूँ। मतलब इसके बिकॉज इस मुझे गरबा में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगती है, मुझे वो रिदम इतना अच्छा लगता है ना, वो रिदम, बस वो रिदम बजता है और वो ऐसा लगता है बाद में झूम जाए। मम्मी, आप ही की बात करते हैं इस एल्बम में, जैसे आपने कहा एक स्टोरी लाइन है और बात हम गरबा और डांडे की कर रहे हैं, तो आप इसमें खेलते हैं, आप खुद कितने शौकीन हो, आप खुद कितना खेलते हो, हाउ मच? गरबा का मैं बहुत शौकीन हूँ पर मुझे गरबा आते नहीं है, पर किया है मैंने अच्छा इसमें, और सुनना बहुत पसंद करता हूँ, गाना भी बहुत पसंद करता हूँ, उसी को सोच के हमने ये बनाया था। और इसमें मतलब एक कहानी इस टाइप की दी हुई है कि एक लड़का जब गरबा खेलने फर्स्ट डे जाता है 1 से लेकर 9 दिन तक,
वो आंखें से आंखें मिलती है, उसके बाद क्या क्या होता है, मतलब ये टू बी कंटिन्यूड प्रोजेक्ट है हमारा। वो तीन चार दिन की स्टोरी बता दी अभी, थोड़ा वो नेक्स्ट में बताएंगे। आदर्श मेरे किशोर कुमार है, उसके बाद अभी का मैं देखने जाऊँ तो अरिजीत सिंह है। कुछ गुनगुना लीजिए, झूठे झूठे का कुछ, झूठे का ले लो, झूठे का वो ज्यादा चलेगा, वही वही वही, हाँ झूठे वाला अपने वाला। तुम्हें जब देखा तो दिल ने मेरे ये कहा, ये आंखें कहती तुम्हें देखूं मैं बार बार, तेरी नजरों में यूं खो गए हमें क्या हुआ, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें मेरे दिल की ये बात, झूमते झूमते झूमे आज सारी रात खनन खनके तेरी पायलिया, झूमते झूमते झूमे आज सारी रात खनन खनके खनके तेरी पायलिया। वेरी नाइस, वाह, वेरी नाइस, वर्ड्स व्हाट ट्यूनिंग, जुम्मेदारी दी है राजू भाई, आपकी जुम्मेदारी है बॉलीवुड में पूरा धमाल करने की, तो आपका साथ रहेगा पुनीत जी सबका, तो उसको आगे तक पहुँचाना, ठीक है? Hi friends, this is Bobby Watts and I'm here for an album launch by Bhaumik Patel. This album is on Garba and you know, this Dandiya, which is a season, which is a seasonal thing that's going on. The best part is that this time the Garbas were not allowed, so this is a wonderful option for all of us to see the songs, enjoy them
and might as well dance also in our own bedrooms. So, first of all, my best wishes are with Bhaumik for this amazing album that has come out. And hope this album shines, he shines, and whatever he does in future should reckon with the hearts of people. So, my best wishes are with him. And what's going on professional front? Professional front, see, same old story that I have my two films which were supposedly releasing in 31st March, but after that the lockdown was announced. So, there is a film called Pyari, there is a film called Hawaii, and on my YouTube channel, which is Creative Karma, I have like did three films in lockdown. Because I have this channel which whatever I feel like doing creatively, I try and do it. So been busy. My lockdown was quite busy, and I worked a lot on online and also some of the projects, like I finished my dubbings of the films and all that. So hello friends, myself Shweta Solanki, and I'm from Gujarat only. And most of you know me very well by the album Chilli Mulakat. And today here we are for the Bhaumik Patel celebrations for sure. Because aaj unka album launch hua hai, ye pehla album hai. Ane apna Gujaratiyo mate, garba is everything. So Navratri par song che, bahar apne COVID par jai nahi sakya. So you can enjoy this garba and you can do it at home as well. नवरात्रि का सीजन खैर अब तो खत्म हो गया, आज लास्ट है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट होता है नवरात्रि और गरबा खास करके गुजराती कम्युनिटी के लिए? जी, गुजरातियों की पहचान ही गरबा होता है. हमारी संस्कृति है, 9 दिन का अलग अलग महत्व होता है हर दिन का. एंड आज भले ही ख़त्म हो गया, कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन में जो दुर्गा माँ और उनके 9 अलग अलग अवतार है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम गरबा करते हैं. एंड आफ्टर दैट जो दशहरा होता है उसमें बुराइयों का नाश होता है और नए दिनों, अच्छे दिनों की शुरुआत होती है. चिल्ला जो आपका एल्बम है, चिल्ली मुलाकात है, उसके बारे में थोड़ी सी बताएं क्या? सो चिल्ली मुलाकात एक लव सॉन्ग है, लास्ट मीटिंग. इट्स अ ब्रेकअप सॉन्ग बेसिकली. एंड भाविक भोजक मेरे साथ में थे, एंड स्वेगी द रैपर, वो भी काफ़ी गुजराती तो सब जानते ही होंगे अगर गुजरात के जो भी हमारे सारे दर्शक है. सो लव प्यारा सा छोटा सा ब्रेकअप सा सॉन्ग है. एंड उसके अलावा काफ़ी सारे मैंने छोटे छोटे एल्बम्स है जो खुद डायरेक्ट भी किए हैं, जैसे कि माँ मेरी माँ तो मदर्स डे स्पेशल है, आप वो भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं. ओके, और क्या कुछ भविष्य में चल रहा है? भविष्य के लिए अभी 2-3 और एल्बम्स हैं जो मेरे शेड्यूल्ड हैं, जैसे ही वो आएंगे आपको ज़रूर बताया जाएगा. और आज मैं आई रियली वांट टू विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू भाविक जी, एंड वी होप कि आगे ऐसे ही एल्बम उनके आते रहें. आई एम लिटरली वेटिंग फॉरवर्ड फॉर द पीयूज एंड भाविक्स. आई रियली वांट टू watch them together. So let's see. इस साल गरबा खेलने नहीं मिला, गरबा रसिकों को गरबा खेलने नहीं मिला. जी, कहीं ना कहीं दुख है इस बात का? दुख बहुत ज़्यादा, दर्द है, तकलीफ भी है. मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर परमिशन में तो पीपी किट के ऊपर भी हम गुजराती आबला तिलड़ा लगा के भी कर लेंगे घर पे. बट गुजराती वेरी इनोवेटिव पीपल, तकलीफ और दर्द का सलूशन निकाला है लोगों ने. खुद के घर पे वाईफाई के थ्रू जूम कॉल के ऊपर भी गरबे हो रहे हैं, तो ये हमारा सलूशन है. गरबा तो मतलब किया ही है हमने, पर खुद के घर में किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, आई एम पीयू चौहान, योर इंडियन शखीरा. एंड मैंने उनका सॉन्ग देखा है भौमिक पटेल का, ही इज़ अ सिंगर एंड ही इज़ अमेजिंग. ये इनका फर्स्ट सॉन्ग है झूमते झूमते, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको पिक्चराइज किया है. और ऑल द बेस्ट और वेरी नाइस, बिकॉज मैंने देखा है वो सॉन्ग, आई लाइक दिस. तो आप खुद के बारे में बताइए, क्या चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, क्या कर रही हैं, बताइए अपने बारे में. एक्चुअली मेरा भी जस्ट रिसेंटली सॉन्ग रिलीज हुआ है साउथ में नागार्जुन के साथ, कुट्टू कुट्टू. सो उनका अभी लॉन्चिंग पार्टी है. एंड सेकेंड उनकी अभी एक मूवी शूट पे जाने वाली है. सो जस्ट प्लानिंग एंड ऑल. टी सीरीज का भी एल्बम चालू है. कुट्टू कुट्टू क्या है? कुट्टू कुट्टू इज द इट्स अ पोंगल सॉन्ग. साउथ का जो पोंगल फेस्टिवल होता है, खिचड़ी खिचड़ी राइट,
तो उसमें मैंने एज ए लीड परफॉर्म किया है और जिनके डायरेक्टर हैं मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी सर। ये सॉन्ग बहुत ही उन्होंने ग्रेंजर से शूट किया और वेरी मतलब यू नो वो लोग बहुत मेहनती हैं, अमेजिंग वर्क। मतलब यू नो 7 o'clock शार्प ऑन होना है कैमरा तो ऑन होना है और वेरी प्रोफेशनल, सो आई लाइक इट। हार्ड वर्क अपेक्षाएं हैं उस एल्बम से? हाँ हाँ, एल्बम नहीं है, वो मूवी का सॉन्ग है, राधा कृष्णा मूवी नेम है और वो बहुत ही नेक्स्ट मंथ रिलीज है और बहुत अच्छे से उसका रिस्पांस है एक्चुअली। ओके अजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भौमिक पटेल का गाना लॉन्च हुआ, आपने देखा भी, कितना आपको? हाँ, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई नए कलाकार है, उभरते कलाकार है, इनका टैलेंट बहुत अच्छा है, तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि नए कलाकार उभरते कलाकार को सपोर्ट करें और बहुत अमेजिंग है। और मेरी बेस्ट विशेष है उनको कि बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग है, अमेजिंग है, मुझे अच्छा लगा। हाँ, जैसे अभी अपने कलाकारों की बात की तो वाकई में ऐसे ऐसे आज आज ऐसी परिस्थिति है कि नए कलाकारों को सपोर्ट की ज़रूरत है, हम जैसे बॉलीवुड सभी सभी लोगों को, क्या लगता है? हाँ, सपोर्ट देना ही चाहिए। अभी मैंने 5-6 म्यूजिक एल्बम बनाए AR म्यूजिक स्टूडियो में, तो मैंने सारे नए कलाकार को परफॉर्म करने दिया, सारे नया कलाकार को चांस दिया। हमेशा नए लोगों को चांस देना चाहिए ताकि इंडस्ट्री में कभी किसी को ये ना लगे कि नए कलाकार को चांस नहीं मिलता। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि नए कलाकार आवे, अपने टैलेंट बतावे, परफॉर्म अच्छा करे, अच्छा लगता है। नए कलाकारों के साथ काम करने में थोड़ी कठिनाई भी होती है, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं अजय जी, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो टैलेंटेड है उसके उसी में कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि जो टैलेंटेड है उसको सिर्फ अपना टैलेंट बताना है, तो ज़्यादातर कठिनाई नहीं आती। और दूसरा क्या है कि वो लोग शेड्यूल पे कोऑपरेट में अच्छे रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम आना, मेहनत करना, तो अच्छा लगता है। नए कलाकार को प्रोत्साहित करना मुझे अच्छा लगता है। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? भौमिक पटेल का एल्बम लॉन्च हुआ, आपने देखा भी गाना, कितना प्रभावित किया आपका, और क्या कुछ कहना चाहेंगे भौमिक पटेल के लिए? हाय, सबसे पहले हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ़ यू। मैं गौरी वानखेड़े और अभी मैंने नीचे वो सॉन्ग देखा है, उसको थोड़ा हिंदी और गुजराती टच है, काफ़ी अच्छा लगा वो देखते टाइम, जिसे दशहरा के टाइम पे उन्होंने रिलीज़ किया है और बहुत अच्छा लगा है और बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे सिंगर है भौमिक पटेल। ओके, और कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे, आपके फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आपकी? या जैसे आप सभी को पता था, जब गलतियां मूवी हमारी पूरी लॉकडाउन के पहले कंप्लीट हो गई, उसके सॉन्ग लॉकडाउन में रिलीज हो गए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उसके लिए, और आफ्टर दिवाली वो जल्दी से आपको PVR थिएटर में देखने के लिए मिलेगी। और बस क्या है वो गलतियाँ, थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या हुआ था? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपने पूछा था उसमें तो बस जो यंग जनरेशन जो गलतियाँ करती है वही गलतियाँ उसमें दिखाई गई, ताकि आने वाली जनरेशन वो सारी गलतियाँ ना करे, और एक सोशल मैसेज है उसमें। कब हो रही है फिल्म रिलीज, कुछ उसके बारे में? जैसे थिएटर खुलेंगे सर, हम तो वेट ही कर रहे हैं, हमारे सॉन्ग तो हिट गए, अभी बस थिएटर का वेट है। नेक्स्ट एल्बम करने वाली वो भौमिक के साथ, ऐसे सुना है तो कुछ बात हुई आपके उनके साथ? जी एक्चुअली उनकी जो नेक्स्ट एल्बम शूट होने वाली है, हम लोग मोस्ट प्रोबली लद्दाख या मे बी लद्दाख या उत्तराखंड में करेंगे, तो उनके लिए मुझे फाइनलाइज किया है, तो हम करेंगे उसके, मतलब मैं और भौमिक पटेल साथ में नेक्स्ट टाइम आपको दिखेंगे नेक्स्ट एल्बम। उसका म्यूजिक लॉन्च कहाँ करेंगे? उसका म्यूजिक लॉन्च अभी कुछ डिसाइड नहीं है, बट मे बी प्रोग्रामर हम लोग सोच रहे हैं कि मिस्टर शान से कराए, शान ब्रो। ओके,